अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। दिस इज मीशा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल व्लॉग विद ईशा। तो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। जब मैं उठी तो मैंने मौसम बड़ा प्यारा सा देखा है। आदमी देखें यहाँ से नज़र, सारे बादल ही बादल हैं, तेज़ हवा चल रही है और हल्की सी बारिश भी हुई थी, लेकिन अब पता नहीं है कि नहीं है। अब हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को बाहर से जाके दिखाती हूँ, वैसे ज़्यादा प्यारा नज़र आएगा। हाँ जी, तो देखें कि ज़ोर ज़ोर से ये हवा चल रही है और ये मौसम बहुत प्यारा है। ऐसा मुझे लगता है दोबारा से सर्दी हो गई है। मतलब भी मैंने अब यूनिवर्सिटी जाना है, तैयारी करी थी, मैंने यूनिफॉर्म प्रेस की अभी। अब बस मुँह हाथ वगैरह धो के जो है ना तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाऊँगी। बैग भी पैक कर लिया मैंने। आज यूनिवर्सिटी में कुछ ज़रूरी काम है, यूनिवर्सिटी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो साथ साथ रहिएगा और इस मौसम को और यूनिवर्सिटी की रूटीन को हम दोनों मिलके एंजॉय करेंगे। दोनों नहीं, मतलब हम सारी फैमिली मिलके एंजॉय करेंगे जी। तो यूनिवर्सिटी का टाइम होने वाला है, चलें जी तैयार हो जाते हैं, मुँह हाथ वगैरह धो के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ जी। तो गाइस आई एम रेडी फॉर यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी चलते हैं। वहाँ पे वैसे लेक्चर्स पे लेक्चर्स होंगे, मेरे यूनिवर्सिटी जाने का आजकल बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन आज मैं ज़बरदस्ती जा रही हूँ क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई, हमारे खास लैब में सर हैं, तो कितनी खामोशी और कोई रश भी नहीं है। तो मैं आपसे मिलती हूँ लेक्चर के पास। तो जो है ना वो एंड हो गया, मैं बाहर जा रही हूँ। जब हम लेक्चर दे रहे थे ना, बहुत ज़्यादा जो है ना बारिश हो रही थी और हम दुआ कर रहे थे कि सर जो है ना लेक्चर ख़त्म कर दें, लेकिन अब धूप निकल आई, बारिश हो के ख़त्म हो के अब धूप निकल आई। आओ उसका आगे चल के देखते हैं। ये पानी अभी खड़ा है, अभी ताज़ा ताज़ा बारिश हुई है और धूप निकल आई है, बादल सारे चले भी गए बरस के। ये देखें मुझे सांस चढ़ गया। ये देखो भाई किस तरह से बारिश हुई है। लग तो अच्छा रहा है फिर भी हमारी यूनिवर्सिटी के नीचे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया था, तो मैम ने हमें केस स्टडी दी थी, तो सारे स्टूडेंट्स वही केस स्टडी करने लगे। मैंने भी अपना रजिस्टर निकाला, देन जो है ना मैं अपनी केस स्टडी स्टार्ट करने लगी, क्योंकि मैम ने आके फिर डांटना था अगर हमने सॉल्व ना की होती तो। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू हुआ, इसमें प्रैक्टिकल नोटबुक जो है ना चेक करवानी थी, और मैंने फिर प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई थी सारी है, जूम लगा के खड़ी हुई थी, लड़कियाँ मैम के पास जा रही थी प्रैक्टिकल नोटबुक लेके, और मैं जो है ना बैठी हुई थी, अटेंडेंस भी मेरे हाथ में थी, और पर फिर भी मैं इतनी मजबूर थी कि मैं अपनी अटेंडेंस इतनी मार्क कर सकती थी, क्योंकि बस मेरी प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं थी, खाली पड़ी हुई थी। साथ मेरी क्लास फेलोज जो बैठी हुई थी, इनकी भी हाफ थी, इनकम्प्लीट थी, तो मैंने कहा कैसे जाके चेक करवाओ। मैं वेट करते हुए कि कभी सारे लेक्चर्स एंड हो गए और कब घर जाएंगे। मैं इतनी बोर हो गई थी ना, बस फ्री हो गए हैं सारा दिन की कचरी खुआरी के बाद 1:45 पे 1:45 पर हम लोग नीचे जा रहे थे। इधर से आ जाओ ना, हम लोग इधर से जाएंगे छोटा वाला शॉर्टकट लेके। अच्छा मेरा इतना ज़्यादा जूम था, मेरे सेल फोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है, और बस अब हम लोग चलते हैं। मैं घर कॉल कर लूँ कि मुझे लेने आ जाए, इससे पहले मेरा सेल फोन बंद हो जाए जी। तो गाइस मैं घर आ गई थी, और आगे में आके मैंने बस वही किया, रेस्ट, सो गई, सो के अब उठी हूँ अफ्तारी से दो कुछ मिनट पहले ही उठ के। फिर जो है ना मैंने खाने की तैयारी की, अब खाने के लिए मैं सालन बनाने लगी थी, तो घी नहीं है, आज मैं बैंगन बनाने लगी हूँ। बाकी सारा कुछ मैंने बना लिया, अब घी का इंतज़ार है। घी मुझे कोई ला के नहीं दे रहा, मेरा भाई बदतमीज़ है, उसको कहा है तो कहता मैंने ये करना, आप किसी और से कह दो। अब मैं वेट करूँगी, पापा नमाज़ पढ़ेंगे तो उनको कहूँगी कि ला के दें। तो आज का ब्लॉग इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पिछली वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत कम आए हैं, आप लोगों ने लगता है मेरी वीडियोज़ देखना छोड़ दी है, तो उन वीडियोज़ को भी वॉच करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो। और तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।